पवित्र श्रावण महिनाना हवे गणतरीना दिवसों बाकी छे। गुजरातमां एक एवुं शिवलिंग आवेलुं छे जे श्रावण महिनाना छेल्ला दिवसे श्रद्धाळुओने प्रसाद स्वरूपे रुद्राक्ष तथा रुद्राक्षनी माळा अपाशे। अहीं 7.5 लाख रुद्राक्षमांथी 6.5 फूट ऊंचू शिवलिंग निर्माण करायुं छे। अधिक श्रावण शुरू थयो त्यारथी अत्यार सुधी अहीं दररोज महापूजा करवामां आवे छे, जे आवती अमास सुधी शुरू रहेशे। આ જગ્યા છે અમદાવાદમાં આવતી ધર્માત્મા કુટીર। અહીં શ્રાવણના છેલ્લા 2 દિવસ એટલે અમાસ નિમિત્તે આવતા શ્રદ્ધાળુઓને પ્રસાદ તરીકે રુદ્રાક્ષ અપાશે। લગભગ 72 દિન હો ગયે હૈ પૂજા કરતે હુએ। 72 દિન સે યહાં પે કન્ટિન્યુ પૂજા યજ્ઞ ઓર હવન ચલ રહા હૈ ઓર યહાં પે રુદ્રાક્ષ કા શિવલિંગ પિછલે લગભગ 12 સાલ સે બનાયા જા રહા હૈ। હર સાલ નયે રુદ્રાક્ષ લાયે જાતે હૈ ઓર ઉનસે શિવલિંગ કા નિર્માણ કિયા જાતા હૈ। और फिर अमावस्या के दिन जिस दिन गुजरात का श्रावण महीना पूर्ण होता है उस दिन प्रसाद के रूप में सभी को शिवलिंग की मालाएं दूसरी पूजा में अभिमंत्रित की हुई मालाएं और रुद्राक्ष वितरण किया जाता है। छेल्ला 12 वर्ष थी आ कुटीर में आ प्रकार की पूजा नु आयोजन करवामां आवे छे। शिवलिंग बनावा माटे तमाम रुद्राक्ष नेपाल थी मंगावामां आवे छे। कुटीर में आवता श्रद्धाळुओ महादेव नो अभिषेक करे छे, जेना माटे तेमणे कोई दक्षिणा नथी आपवी पड़ती। और हम 15 साल से 365 दिन यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। हमारी जो भी कष्ट पीड़ा है वो महादेव हरण करते हैं और यहाँ पे आके सुकून मिलता है हमको। ये 12 साल से भी पुराना है और यहाँ पर हर श्रावण मास में पूजा की जाती है इसे, और यहाँ कोई दान दक्षिणा ली नहीं जाती है। और जब आखिरी दिन होता है श्रावण महीने का तब ये सभी रुद्राक्ष मुफ्त में दी जाते हैं। श्रावण महीनो एटले शिवनी आराधनानो महीनो। એમાં પણ આ વખતે તો અધિક શ્રાવણ હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓ 2 મહિના સુધી શિવજીની પૂજા અર્ચનામાં ભાવ વિભોર રહ્યા।